नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल 2 जून को करेंगे सरेंडर, भावुक अपील में बोले, मेरे बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखना, साथ ही दिल्ली के काम नहीं रुकने वाले। दिल्ली में पानी की समस्या पर आपका दावा, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, हरियाणा यूपी हिमाचल से अतिरिक्त पानी देने की मांग। दिल्ली में पानी के लिए केजरीवाल की बीजेपी से अपील, बीजेपी हरियाणा यूपी सरकार से पानी दिलाए, पानी की समस्या पर ना हो राजनीति, पड़ोसी राज्यों से पानी की सप्लाई कम हुई। बीजेपी ने केजरीवाल पर मिसमैनेजमेंट का लगाया आरोप, शहीदी पार्क में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी के लिए मचा हाहाकार, लोग अपने अपने कंटेनर लेकर लाइनों में खड़े, वाटर टैंकर का कर रहे हैं इंतजार। बिहार में भीषण गर्मी से हाहाकार, बिहार में लू से करीब 55 लोगों की मौत। बिहार के औरंगाबाद में लू लगने से 16 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। यूपी के चंदौली में चुनावी ड्यूटी पर लगे ड्राइवर की मौत, निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित गाड़ी के ड्राइवर की मौत हुई है, गर्मी और लू से बिगड़ी थी ड्राइवर की तबीयत। हरिद्वार में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, एक हफ्ते में 5वीं घटना। बुलंदशहर में पुलिस चौकी परिसर में लगी आग, चौकी की पार्किंग में खड़ी कई गार जलकर राख हो गई। बद्रीनाथ में हल्की बारिश, केदारनाथ में भी मौसम ने बदली करवट। जयपुर से किडनैप हुए मासूम को पुलिस ने किया बरामद, संतान की चाह में दंपति ने किया था अपहरण। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लड़की के अपहरण की कोशिश, सरेआम घर से लड़की के अपहरण की कोशिश की गई, विरोध करने पर लड़की के माता पिता से मारपीट की गई, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, बाकी की तलाश जारी है। बिहार के बेगूसराय में लीची और आम के लिए चली गोली, एक ही गांव के 2 गुटों में हुई भिड़ंत, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई, हमले में कई लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। अमरावती हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, गाड़ी को भी जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में प्रेमिका की शादी तय होने से प्रेमी नाराज, चाकू से गला रेतकर की हत्या। यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्कर पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 3 तस्कर हुए घायल। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मुर्गे का शिकार करने के लिए ऊंची दीवार फांद गया तेंदुआ, सीसीटीवी में देखकर दहशत में आए लोग। महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री बंद होने पर प्रवेश को लेकर विवाद, सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच हुई मारपीट। प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल करवाया गया, सीआईडी ऑफिस में वकील ने की रेवन्ना से मुलाकात, कल रात एसआईटी ने रेवन्ना को किया था गिरफ्तार, जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी रेवन्ना। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किल बढ़ी, विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ होगी कुर्की की कार्रवाई, पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट मामले में कुर्की का आदेश दिया गया, नोएडा सेशंस कोर्ट ने जारी किया ये आदेश। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना जारी, 45 घंटे तक नहीं खाएंगे अन्न, 1 जून की शाम को खत्म होगा ध्यान। कन्याकुमारी में पीएम की ध्यान साधना का नया वीडियो, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आए पीएम। कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में पीएम मोदी ने सूर्य को दिया अर्घ, किया सूर्य नमस्कार। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के किए दर्शन, अमित शाह ने तिरुपति बालाजी की पूजा अर्चना की।